हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजीव, आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बाय डॉक्टर राजीव रतन राय में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे टॉन्सिलाइटिस के बारे में, बताएंगे आपको टॉन्सिलाइटिस के कारण, लक्षण और उसकी होम्योपैथिक दवा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं टॉन्सिलाइटिस। दोस्तों, टॉन्सिल जो है हमारे गले में दोनों साइड में, जहां हमारी जीभ समाप्त होती है, नर्म उत्कों का जोड़ा होता है। यह हमारे लिम्फैटिक सिस्टम का एक हिस्सा है जो बाहरी बैक्टीरिया और वायरस से जो है लड़ने का काम करता है। दोस्तों, जब भी हमारे शरीर में हमारे नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा कभी बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर में इंटर करते हैं, तो सर्वप्रथम हमारा टॉन्सिल ही जो है उन बैक्टीरिया वायरस से जो है लड़ने का काम करता है और लड़ करके उन बैक्टीरिया वायरस को समाप्त कर देता है और हमारे शरीर को इन्फेक्शन से जो है बचाता है। दोस्तों, जनरली जो है टॉन्सिल जो है बच्चों में 5 से 15 वर्ष की उम्र में ज़्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों, टॉन्सिल चूँकि हमारा जो है बाहरी बैक्टीरिया वायरस से लड़ने का काम करता है और लड़ करके उनको जो है समाप्त करने का काम करता है, तो कभी कभी लड़ते लड़ते यह टॉन्सिल भी बीमार हो जाता है और इसमें भी संक्रमण हो जाता है और संक्रमण होने के बाद जो है इसमें सूजन, लाली शुरू हो जाती है। इस अवस्था को ही हम जो है टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। हमारे टॉन्सिल में जब इन्फेक्शन हो जाता है बाहरी शत्रुओं से लड़ने की वजह से, बैक्टीरिया वायरस के लड़ने की वजह से, तो उसमें सूजन हो जाएगा, दर्द होगा, बुखार होगा। इस कंडीशन को ही हम जो है टॉन्सिलाइटिस कर रहे हैं। दोस्तों, टॉन्सिलाइटिस किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन जनरली जो है प्रारंभिक युवा अवस्था में और बच्चों को यह बीमारी जो है ज़्यादा देखने को मिलती है। दोस्तों, अब आता है कि टॉन्सिलाइटिस के क्या क्या लक्षण हैं। दोस्तों, अगर हमको टॉन्सिलाइटिस हो जाता है तो सर्वप्रथम हमारे जो है गले में यहाँ दर्द होगा, गले में दोनों तरफ जो है सूजन हो जाएगा। अगर हम टॉर्च से जीभ को बाहर की तरफ करा करके टॉर्च से अंदर तरफ देखते हैं तो दोनों तरफ गले में साइड से सूजन दिखाई देगा। यह सूजन दोनों साइड हो सकता है, या कभी एक तरफ दाहिनी तरफ हो सकता है, या एक साइड सिर्फ बाएं तरफ हो सकता है। दोस्तों, टॉन्सिल हो जाने की वजह से गले में लाली होगी, सूजन हो जाएगा, दर्द होगा गले में, और हमारी आवाज़ भारी हो जाएगी, आवाज़ बैठने लगेगी, और कभी कभी टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो जाने से टॉन्सिल में जो है मवाद भी बनने लगता है, जिसकी वजह से टॉन्सिल में किनारे किनारे जो है सफ़ेद या पीले जो है दाने भी दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। सांस लेने में कई बार दिक्कत महसूस होगी, चिड़चिड़ापन जो है व्यक्ति के अंदर महसूस होना शुरू हो जाएगा, तो ये सारे लक्षण जो है दिखाई देना टॉन्सिलाइटिस में शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, अब आता है कि किस कंडीशन में हमको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्या ऐसी समस्या उत्पन्न होती है जब हमको डॉक्टर के पास टॉन्सिलाइटिस के इलाज के लिए जाना चाहिए। दोस्तों, अगर गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, व्यक्ति जो है भोजन नहीं निकल पा रहा हो, भोजन निकलने में समस्या आ रहा हो, पानी पीने में दिक्कत आ रही हो, खाना खाने में दिक्कत आ रही हो, थूक घोटने में तकलीफ हो रही हो, या सांस लेने में समस्या आ रही हो, तो ऐसे कंडीशन में आप जो है डॉक्टर को दिखा सकते हैं। बच्चे चूँकि ज़्यादा प्रभावित होते हैं, कई बार नवजात शिशु भी इस समस्या से ग्रसित हो जाते हैं। जो बच्चे कह नहीं पाते हैं अपनी समस्या को, अगर बच्चे भी खाना पीना जो है रिफ्यूज़ करने लगे, खाने पीने में इंटरेस्ट न दिखाएं, जब खाने को कुछ दिया जाए तो उनको गले में दर्द महसूस होने लगे, गले में सूजन हो, कभी कभी बुखार हो, उनके अंदर चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो, गला जो है बैठ गया हो, बोलने में आवाज़ साफ ना निकल रही हो, ऐसे कंडीशन में आप चिकित्सक से जरूर संपर्क करें। अब दोस्तों, आता है कि टॉन्सिलाइटिस किस कारण से होता है। दोस्तों,
टॉन्सिलाइटिस जनरली जो है हमारे जो है होने का कारण होता है वो होता है बैक्टीरिया और वायरस। हमारा जो है टॉन्सिल जो होता है बाहरी शत्रुओं से लड़ने में जो है हमारा मदद करता है। जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा हमारे गले तक पहुंचते हैं तो टॉन्सिल पहला एक ऐसा दरमान के रूप में सामने आता है जो हमारे शत्रुओं को बैक्टीरिया वायरस को अंदर जो है आने नहीं देता है और उनसे लड़ता है, उनको वहीं पे समाप्त कर देता है। तो दोस्तों बैक्टीरिया और वायरस जो होता है टॉन्सिल होने के कारण होते हैं। जनरली कई बार देखा गया है कि स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया जो होता है टॉन्सिलाइटिस के कारण बनते हैं। दोस्तों अब आता है कि टॉन्सिलाइटिस हो जाने पर हम जो है कैसे बचाव करेंगे या टॉन्सिल हो जाने पर हम क्या उपाय करेंगे कि जिससे जो है हमारी ये समस्या कम रहे। दोस्तों टॉन्सिल हो जाने पर हम सर्वप्रथम गुनगुने पानी का सेवन करेंगे, ठंडी चीज़ों को अवॉइड करेंगे, फ्रिज का पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम नहीं लेंगे, चावल का परहेज करेंगे, डब्बा बंद भोजन हम नहीं लेंगे। जब भी हम कोई डब्बा बंद भोजन लेते हैं तो इसमें संक्रमण के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों कुछ उपाय करके हम बच्चों में टॉन्सिल होने से रोक सकते हैं। जैसे बच्चों को साफ सुथरा रखना का हम ट्रेनिंग दें। बच्चे जब भी बाहर से आएं या शौच करके आएं तो हाथों को कायदे से धुल लिया करें, साफ सफाई का ध्यान रखें। अगर कोई व्यक्ति जो है टॉन्सिल की समस्या से ग्रसित है तो उसके पास जाने से बचें। नाक पर और मुंह पर खांसते वक्त जो है रुमाल जरूर रख लें क्योंकि इससे जो है बैक्टीरिया वायरस जो है निकल के वातावरण में फैलते हैं और सामने वाले तक जो है पहुंचकर उसको संक्रमित कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे उपाय करके हम टॉन्सिल से बचाव कर सकते हैं। अब आता है दोस्तों कि कौन कौन सी हमारी होम्योपैथिक दवा है जो टॉन्सिल हो जाने पर हमारे लिए उपयोगी है। दोस्तों जनरली एलोपैथ में यह देखा जाता है कि टॉन्सिल हो जाने पर उसको जो है कटवा देने की सलाह देते हैं, बट होम्योपैथ में इसको ठीक करने की दवा है टॉन्सिल। चूंकि हमारा जो है बाहरी संक्रमण से वह शरीर की रक्षा करता है इसलिए इसको कटवा देने पर बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए दोस्तों टॉन्सिल हो जाने पर उसको कटवाने की बजाय होम्योपैथिक दवा अगर आप करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। दोस्तों होम्योपैथिक दवा में जो पहली दवा इसमें आती है वो है ट्यूबरक्युलिनम। टॉन्सिल का शुरुआत हम ट्यूबरक्युलिनम वनियम से करते हैं। महीने में एक खुराक ट्यूबरक्युलिनम वनियम दें तो हमको ये जो है काफ़ी फायदा करेगा। इसके बाद दोस्तों अगली दवा जो इसमें आती है बेलाडोना। अगर टॉन्सिल में सूजन आ गई है, लाली है, गले में दर्द है तो हम नित्य 5 बूंद सुबह शाम अगर लेते हैं तो हम टॉन्सिल की समस्या से हमको निजात मिल सकता है। यह दवा 1.5 से 2 महीने तक रेगुलर हमको लेनी होगी। अगली दवा दोस्तों जो इसमें आती है बेराटाकार। टॉन्सिल हो जाने पर बेराटाकार 5 बूंद नित्य सुबह शाम अगर हम लेते हैं तो टॉन्सिल की समस्या हमारी ठीक हो सकती है। अगली दवा दोस्तों जो इसमें आती है फाइटोलॉग। अगर हमको टॉन्सिल हो गया है, गले में सूजन है और दर्द है और यह दर्द यहाँ से चल करके कान तक जा रहा है तो ऐसे लक्षण पर फाइटोलॉग बहुत अच्छा काम करती है। फाइटोलॉग 2 से 5 बूंद नित्य सुबह शाम 1.5 से 2 महीने तक सेवन करें तो हमको टॉन्सिल समस्या से निजात मिल सकता है। दोस्तों कई बार टॉन्सिल सिर्फ लेफ्ट जो है राइट साइड देखने को मिलती है तो राइट साइड अगर हमको टॉन्सिल हो रहा है तो 5 बूंद नित्य एक बार जो है लाइकोपोडियम 200 पावर में यूज करें तो हमारे जो है राइट साइड की टॉन्सिल ठीक हो जाएगी। अगर यही समस्या सिर्फ लेफ्ट साइड में हो रहा है और लेफ्ट साइड की टॉन्सिल बढ़ रही है तो ऐसे कंडीशन में लैक्सिस 5 बूंद एक बार नित्य जो है हम लेते हैं तो टॉन्सिल समस्या से निजात मिल सकता है। लेकिन यह दवा आपको 1.5 से 2 महीने तक रेगुलर खानी होगी। दोस्तों टॉन्सिल में संक्रमण होने की वजह से अगर उसमें मवाद हो गया है, पस का फॉर्मेशन हो गया है और टॉन्सिल अंदर तरफ देखने पे उसमें लाल और पीले दाने जैसे दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में हम हिपरसल्फ 200 लेकर के 5 बूंद सुबह शाम नित्य सेवन करें तो जल्द ही मवाद जो है उसमें हो रहा है वो ठीक हो जाता है और टॉन्सिल भी ठीक हो जाता है। दोस्तों कई बार देखा
दिखाया गया है कि बार बार टॉन्सिल जो है लोगों को परेशान करता है। आप टॉन्सिल की दवा की, टॉन्सिल ठीक हो गई, फिर कुछ समय बाद जो है टॉन्सिल जो है हो जाता है। ऐसे कंडीशन में आप जो है सोरिनम वनियम लेकर के 15 दिन में एक बार इसका सेवन करें। सोरिनम वनियम एक बार लेकर 15 दिन में 5 बूंद सेवन करें और 1.5 से 2 महीने तक इसका जो है रेगुलर सेवन करें, तो बार बार जो टॉन्सिल होने की समस्या है वह ठीक हो जाती है। गले में दर्द रहने पर आप फाइटोलका बेरी क्यू लेकर के 25-30 बूंद जो है आधा कप गुनगुने पानी में डाल करके और हम जो है गलाला करते हैं, उससे हमको काफ़ी राहत मिलता है। दोस्तों ये हमारी जो है होम्योपैथिक दवाएं हैं जो टॉन्सिल में काम करती हैं। दोस्तों टॉन्सिल हो जाने पर ठंडी चीज़ों का परहेज करें, चावल, मूली, केला, दही, फ्रीज का पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें न खाएं, डब्बा बंद भोजन का परहेज करें, पानी गुनगुना करके नमक डाल करके सुबह शाम गलाला करें और संक्रमित व्यक्ति के पास न जाएं। और अगर आपको हो गया है तो खांसते छींकते समय नाक पर मुंह पर रुमाल का उपयोग करें। इन सारी चीज़ों का उपयोग करके आप टॉन्सिल समस्या से निजात पा सकते हैं और हमारी होम्योपैथिक दवाएं भी उसमें जो है काफ़ी कारगर है। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हम ऐसे नॉलेजेबल वीडियो बनाएं इसकी अति शुभ सूचना आप तक पहुंच सके, आपको होम्योपैथ के बारे में, होम्योपैथिक दवाओं के बारे में जानने को मिले। दोस्तों इसी के साथ अपने हम बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद।